वेलकम टू फिट फॉर हेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना 100 से 150 ग्राम कटे हुए आम का सेवन कर सकता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए रोजाना 10 ग्राम आम का सेवन करना ही बेहतर है। आम के जूस, आइसक्रीम को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि इनसे शुगर बढ़ती है। हाई शुगर से आम का ज्यादा सेवन मोटापे को ही नहीं कई बार त्वचा रोगों को भी न्योता देता है। इससे त्वचा पर दाने, घमोरियां निकल आती है, इसलिए आम का सीमित मात्रा में सेवन करना ही अच्छा होता है। विटामिन सी और खनिज तत्वों से भरपूर कच्चा आम चुटकी भर नमक के साथ खाने से गर्मियों में तापमान के प्रभाव से बचाव होता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। उबले हरे आम के रस में चीनी और भुना जीरा मिलाकर बना पन्ना पीने से सन स्ट्रोक और तपती गर्मी में होने वाले त्वचा रोगों में आराम मिलता है। कच्चे आम में जैथोन एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे शरीर को बचाने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में पसीने के कारण हमारे शरीर में आयरन, सोडियम क्लोराइड जैसे खनिज कम होते हैं। कच्चे आम का रस इस नुकसान को बचाता है। कच्चा आम शरीर में पानी की आपूर्ति में सहायक होता है जो हमारे पाचन के लिए जरूरी है। इसमें एसिड होता है जिससे गर्मियों में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसमें मौजूद पेक्टिन की से डायरिया, दस्त, बवासीर, पेचिश, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसे पेट की आम समस्याओं के उपचार में मदद मिलती है। उमस भरे मौसम में जी मितलाने की समस्या कैरी को काटकर काले नमक के साथ खाने से दूर होती है। विटामिन सी भरपूर हरे आम का सेवन रक्त कणों के निर्माण में सहायक है। यह ब्लड की कमी, ब्लड कैंसर, हैजा, तपेदिक जैसी बीमारियों से बचाव करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कच्चे आम को नमक के साथ खाने से मसूड़े और दांत भी मजबूत होते हैं। यह मुंह से आने वाले बदबू को भी कम करता है। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।